की पर्व होली समिति मुरादाबाद के तत्वावधान में विगत 81 वर्षों की भांति इस वर्ष भी परंपरागत रंग एकादशी शोभा यात्रा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पूर्ण उल्लास के साथ खत्री धर्मशाला बाजी ग्रांड से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्व सांसद सर्वेश कुमार सिंह ने नारियल फोड़कर एवं शोभा यात्रा में शामिल स्वरूपों की वंदना से किया। खत्री धर्मशाला बाजी ग्रांड से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा में लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर एवं झांकियों में बजने वाले होली के गीतों पर झूमते नाचते नजर आए। काना और राधिका की हरियाली मस्ती में शहरवासी सरोवर हो उठे। शोभा यात्रा में रंगों के पर्व की भव्य छटा छाई हुई थी। शोभा यात्रा जहां जहां से होकर गुजरी वहां की सड़कें फूलों रंगों एवं गुलाल अबीर से सरोवर हो गई। सुरक्षा की दृष्टि से चल रहे पुलिस बल का भी अबीर से तिलक कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में शामिल राधा कृष्ण की फूलों वाली होली एवं ब्रज की लठमार होली की झांकी, महिषासुर वध की झांकी, नरसिंह भगवान की झांकी, शिव बारात एवं होली के गीतों पर नृत्य प्रस्तुति शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। शर्मा, ये रंग की काशी का जुलूस है और जिन लोगों की परिवार में मृत्यु हो जाती है उनकी यहाँ काशी के दिन शोक उठता है। उस शोक को समाप्त करने के लिए ये परंपरा आ रही है, 39 वर्ष से लगातार निकल रहा है। मेरा नाम राकेश कुमार टंडन। ये काशी की शोभा यात्रा निकल रही है, ये सन 1939 से लगातार निकल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वर्ष के बीच में जिन लोगों के यहाँ कोई दुखद घटना, किसी की पारिवारिक जिनकी मृत्यु हो गई है, तो आज उसका शोक उठता है ये काशी की यात्रा।